हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच की पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे अपने रिपोर्टर्स के पास। नरवाना पटियाला बॉर्डर से अर्षदीप कौर हैं, सचिन कुमार है भटिंडा सिरसा बॉर्डर से, रविकांत फरीदाबाद बॉर्डर से, जबकि रक्षित सिंह नजफगढ़ बॉर्डर से हैं, वरुण जैन सिंधु बॉर्डर से। सबसे पहले वरुण जैन का रुख करते हैं, पिछली बार समय की कमी की वजह से वरुण जैन के पास नहीं जा पाए थे। वरुण, अपने आसपास क्या देख रहे हैं? किसान तो नहीं पहुंचे लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात है। देखिए बिल्कुल विकास, इस बात की पूरी आशंका है कि किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस बल का सिंघू बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अगर कैमरामैन दिखाए तो किस तरीके से यहाँ पे ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि किसान छुपते छुपाते यहाँ पर सिंघू बॉर्डर तक पहुंच जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि करनाल पर करीब 1000 किसान है वो जमे हुए हैं फरीदाबाद, वो हरियाणा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में है और अभी वो किसान वहीं पर है। अगर किसी भी तरीके से वो किसान आगे बढ़ते हैं विकास तो करीब उन्हें 1.5 घंटा लगेगा यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने में, और पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर सिंघू बॉर्डर तक किसी भी तरीके से किसान पहुंच जाता है तो वो आगे दिल्ली में एंटर करे। और उसी को लेकर यहाँ पर 8 कंपनी फोर्स, सबसे ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट अगर किसी बॉर्डर पर है तो दिल्ली में यहाँ पर है, 8 कंपनी फोर्स पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है ब्रीफिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में रखना है कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि लाठी चार्ज करना पड़े, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाना चाहिए, यही लगातार जो अधिकारी है उनकी तरफ से जो जवान है उनको ब्रीफ किया जा रहा है। जी वरुण, लगातार हम आपके पास बने रहेंगे। अर्शदीप भी हमारे साथ पटियाला नरवाना बॉर्डर पे मौजूद है। अर्शदीप, मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्योंकि वरुण आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई जबरदस्त हैं, और जब एबीपी न्यूज कहता है कि इस खबर पर हम बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं तो जमीन से लेकर आसमान तक हमारी नजर होती है, ड्रोन कैमरे किस तरह से वहां पर निगरानी कर रहे हैं हम देख रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है वरुण दिल्ली एनसीआर में, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना का भारी संकट भी है और जिस स्तर पर वहां पर जवान खड़े हैं, फोर्स खड़ी है, ये आंदोलन कहीं एक और दूसरी बड़ी मुसीबत ना ले आए। देखिए बिल्कुल, ये पैंडेमिक भी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि कल दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने साफ कर दिया था इस पैंडेमिक महामारी के चलते जितने भी किसान संगठन उन्होंने इजाजत मांगी थी उनको इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना काल है, लगातार दिल्ली के अंदर भी कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और यही इसी आशंका को देखते हुए उनकी इजाजत जो थी वो कैंसिल की गई थी परमिशन, और उसी को लेकर ये इस आंदोलन को रोकने के लिए, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए और किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए ही ये हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो सिंघू बॉर्डर पर किया गया है। हर तरह से पुलिस ने ब्रीफ कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है उनको भी आसपास तैनात किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर करनाल पर बड़ी संख्या में करीब 1000 के आसपास जो किसान है वो रुके हुए हैं और उन्हीं पर जो दिल्ली पुलिस की नजर है, लगातार जो नेबरिंग पुलिस है हरियाणा पुलिस है उनके साथ संपर्क में है दिल्ली पुलिस। उनकी कोशिश यही है कि किसान उधर करनाल से आगे नहीं बढ़े और अगर किसान आगे बढ़ते हैं इधर सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है ड्रोन के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ में आप ये देख सकते हैं वाटर कैनन को भी यहाँ पर तो दिल्ली से बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें वरुण जैन हम तक पहुंचा रहे हैं कि किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है, वहां पर जो भी पॉसिबल डिप्लॉयमेंट हो सकता था वो दिख रहा है, लेकिन जहां से किसान चले यानी पंजाब वहां की भी तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। पटियाला नरवाना के बीच अर्शदीप कौर मौजूद है। अर्शदीप, आपके आसपास क्या देख पा रही है? कैमरा की नजर से दर्शकों को दिखाइए और समझाइए कि किसानों को रोकने के लिए क्या पुरजोर कोशिश की गई है वहां। बिल्कुल प्रतिमा, हरियाणा सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है पंजाब के किसानों को रोकने के लिए, लेकिन पंजाब के किसान भी यहां पर डटे हुए हैं। मैं उनका जोश दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से वो कह रहे हैं वो दिल्ली जरूर जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा सरकार ने यहां पे कंटीली तार लगाई है, बैरिकेड लगाए हैं, पत्थर बड़े बड़े रखे हुए हैं, क्रेन के सहारे से रोक पाएंगे आप? हाँ, हम इसे तोड़कर आगे जाएंगे जरूर, जो हमारी जथेबंदी बोलेंगी तो हम आगे इनको तोड़ देंगे। तो हम जोधों की फौज है, हम गुरु गोविंद सिंह जी के वारस हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सिंह जी के वारस हैं हम, हमारे सामने ये कुछ नहीं है, हम आजादी दे देंगे देश के लिए। इतनी तैयारी क्यों करनी पड़ी है हरियाणा सरकार को, इतनी तैयारी आपको रोकने के लिए? आप बार बार कह रहे हैं शांतिमय तरीके से आप डटे रहे हैं, वहां पर आप 500 मीटर दूर चुपचाप बैठे, फिर हरियाणा सरकार ने इतना जोर क्यों लगाया है?
क्योंकि ये बीजेपी की सेंटर जी बीजेपी सेंटर सरकार माड़िया नीतियां ने जी, ये उनकी माड़ी नीतियों के चलते हुए जो बीजेपी के ये खट्टर सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये इनका चमचा है, इनने हमारे पंजाबियों को जहाँ रोका हुआ है बॉर्डर पर। लगता है किस तरीके से कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार कोई फैसला लेगी? जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप दिल्ली जाएंगे, क्या लगता है मोदी सरकार कोई फैसला लेगी? उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी किसान घरों से निकल चुके हैं, सभी किसान सड़कों पर है, बच्चों माइयों हैं हमारे साथ, बच्चा बच्चा घर से बाहर है, सड़कों पर है, धरनों पर है, टूल टैक्सों पर है। प्रतिमा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नौजवान है, बुजुर्ग है, महिलाएं भी यहाँ पर है, पूरी रात उन्होंने यहाँ पर गुजारी, बारिश भी हो रही थी, काफी ठंड थी, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान यहाँ पर आए हैं, वाटरप्रूफ ट्रॉली का इंतजाम किया गया है। जी बीजी, क्या लगता है मोदी सरकार मानेगी? मोदी सरकार जमा माड़ी है, जिन्होंने सानू सड़कां ते रोड है, असि आपदे बच्चों की खातर इत्थे आए हैं, जिंदगी ला देंगे, धक्का नहीं करते, आपदे हक मंगदे हैं। आपको क्यों आना पड़ा, आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पर? हक्कां खातर आए, आपदे खातर, आपदे हक लेने। तो घर बार आपका कैसा चल रहा है? जब कारोबार चलता जे छारो सारे बंद करते कारोबार, इन्होंने कोई कारोबार नहीं चलता, बच्चे साडे पढ़े हुए सड़कां ते रोड देना।